अब हम आजादी के इतिहास का सबसे दुखद पन्ना पलटने जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां आज से करीब 100 साल पहले भारत की रूह को दहलाने की कोशिश हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को दो फ्रीडम फाइटर्स के अनफेयर अरेस्ट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई भीड़ को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। जनरल डायर के ऑर्डर पर जलियांवाला बाग की सिंगल एग्जिट को पूरी तरह ब्लॉक किया गया और फिर ब्रिटिश सोल्जर्स ने बिना किसी वार्निंग के यहां मासूमों की लाशें बिछा दी। ये शर्मनाक हादसा इंडियंस की स्पिरिट को तोड़ने के लिए ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। इस दीवार पर आज भी बुलेट मार्क्स के निशान हैं, जो जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग या अनाउंसमेंट के बेकसूर हिंदुस्तानियों पर चलवाई थी। लेकिन आज उसी जगह को कुछ यूं संजोया गया है जो हमें अपने इतिहास को लेकर सेंसिटाइज करेगा। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 2021 में पीएम मोदी जी ने जलियांवाला बाग स्मारक का इनॉग्रेशन किया, जिसके तहत इस साइट को प्रिजर्व किया जा रहा है। जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। शहीदी कुएं को बेहतर लॉन्जिटिविटी देने के लिए प्रोटेक्टिव ग्लास से घेरा गया है। सेल्वेशन ग्राउंड पर हम शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कोट्स इंग्रेव किए गए हैं। 4 गैलरीज बनाई गई हैं, जो आने वालों को उस समय, उन लोगों और उस एहसास से जोड़ती है जिसे इस जमीन ने जिए हैं।